आदरणीय सभापति जी, हमारी सेनाएं देश का अभिमान है। सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की वीरता पर गर्व है और आज सारा देश देख रहा है हमारी सेनाएं, हमारा डिफेंस सेक्टर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ, इतने रिफॉर्म हो रहे हैं। हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर चुनौती को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे सके, इसलिए युद्ध के सामर्थ्य वाली सेना बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं देश की सुरक्षा का मकसद लेकर के। बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली है। सीडीएस का पद बनने के बाद इंटीग्रेशन और सशक्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से जो लंबे समय से युद्ध शास्त्र के निष्णातों का मत था कि भारत में थिएटर कमांड जरूरी है, आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है, ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के, ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म्स के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी
भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। आदरणीय सभापति जी, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए, वही तरीका था जिसने देश की सेना को कमजोर किया है। देश की सेनाओं को कमजोर किया, जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने, देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। वो भी एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसको कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे। विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे। जब एक कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए, और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुंच पाए, इसके लिए साजिशें की गई। और आदरणीय सभापति जी, ये बालक बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके उड़ाने में मजा लेते थे, देश की सेना का मजाक उड़ाते थे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ऐसे हर कदम का, हर रिफॉर्म का विरोध करती है जो भारत की सेना को मजबूती दे, भारत की सेना को मजबूत बनाए। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तक के लिए बढ़ाई जाती है, और सभा की कार्रवाई सारी कार्रवाई पूरे होने तक बढ़ाई जाती है। आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए और समय का विस्तार करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका, सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि लोग मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है।
आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है, किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। ये तरीका